संगम, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी और इस वक्त हम मौजूद हैं इत्र नगरी कन्नौज में, एक ऐसी नगरी जिसने अपनी महक की ख्याति विदेशों तक में फैलाई हुई है। यहां की माटी की महक के बारे में एक बात खास ये है कि 12वीं शताब्दी से अगर अब के कन्नौज को देखें तो चीजें बदली जरूर नजर आएंगी, लेकिन वर्तमान के झरोके से अगर हम अतीत को देखें तो हमारा अतीत काफी समृद्ध था। तत्व के निशान किस तरीके से हैं और किस तरीके से 12वीं शताब्दी ने आज की शताब्दी को प्रभावित किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं भी किया है तो हमारे लिए युवाओं के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके अतीत में क्या हुआ जिसके कारण वो भविष्य को अपना सवार सकते हैं। शुरू करते हैं विशेष। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो कमोबेश पूरी लड़ाई, चाहे अंग्रेजों के समय की बात करें, मुगलों के समय की बात करें, तो दिल्ली के तख्तों ताज की थी। अब इस वक्त सबसे पहली कड़ी यहाँ का संयुक्ता मार्ग है, और संयुक्ता मार्ग वो जगह है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, कहा जाता है कि संयुक्ता जी को भगा कर लेके गए थे। चंदावर युद्ध के दौरान जो सैनिक थे वो अपने घोड़ों के साथ इसी मार्ग से जाते थे। इस मार्ग की हालत आप देखिए कितनी खस्ता हालत है, हालांकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो ये रोड है ये फरुखाबाद और फिर आगे दिल्ली को जोड़ेगी। एक नजीर और अपने दर्शकों को दिखाएंगे, संयुक्ता मार्ग तो हमने दिखाया, राजा कहीं पर भी जाएंगे, हिंदू साम्राज्य वो थे जयचंद, उनकी राजधानी थी ये, उनका किला किस हालत में है, वो यहाँ पर आए तो जयचंद के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहाँ पर जाए, किले पर आपको लेकर चलते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हिंदू साम्राज्य कैसे रहते थे, कैसा किला था, कितने क्षेत्रफल का था, उसका इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पर किया गया, आज उसकी हालत कैसी है, चलिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त कन्नौज के राजा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कान्य जातिपति सम्राट जयचंद्र, शासनकाल 1170 से 1194 ईस्वी तक, यानी कि 11वीं शताब्दी से महाराज जयचंद जो यहाँ के राजा माने जाते हैं उनका यहाँ पर शासन रहा है। संयुक्ता प्रसंग से ये ज्यादा पूरी तरीके से विख्यात हुए, और इसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान के कह सकते हैं ससुर थे, लेकिन कन्नौज के ये राजा थे। लेकिन इनकी यहाँ इनका किला कैसा है, किले में आप सोच रहे होंगे कि पूरे खंबे होंगे, खूबसूरत सा किला बना होगा, लेकिन किले की दरअसल तस्वीर ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कचराई पूरे खंडर तक नहीं, ये पूरे एक पहाड़ में पूरी तरीके से तब्दील हो गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि खुदाई नहीं हुई, खुदाई का प्रयास किया गया, जो महत्वपूर्ण चीजें निकली वो केंद्रीय संग्रहालय में गई, लेकिन खुदाई का दोबारा प्रयास होगा। कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं ये किला नहीं है, और ये हमारी कह सकते हैं आस्था की बात कर ले, पौराणिक महत्व की वो बातें हैं जो जिसको संरक्षित रखने के प्रयास निश्चित तौर पर जरूरी है। हमारे साथ नवाब साहब हैं, क्योंकि आप संघर्ष जो इसका संघर्ष है उस समिति के कह सकते हैं आप अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, तो ये बताइए कि यहाँ तो महल तो दिख नहीं रहा है, क्या किया है आपने इतने साल में पहचान को वापस आने के लिए? महल नहीं दिख रहा, जब हम पैदा हुए तो हमें खंडहर ही मिला, लेकिन मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, मैंने पढ़ा और हमारे अंदर जिज्ञासा जागी कि इसे संरक्षित रखा जाए जिससे कन्नौज की पहचान बनी रहे। कई जगह अतिक्रमण किया, बहुत प्रयास करके हम लोगों ने ये बाउंड्री करवाई पुरातत्व विभाग से, इसमें पुरातत्व विभाग के लोग भी और आम लोग भी दोषी हैं, अपने निजी स्वार्थ में हम कन्नौज की पहचान को खोते चले जा रहे हैं। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संरक्षित करने के लिए और इसका सुंदरीकरण के लिए लगभग 4 करोड़ से ज्यादा रुपया सैंक्शन किया है, जिसके प्रस्तावित हो गया है, पैसा भी आ गया है। डर हुआ है यहाँ पर, इसको कब तक हम थोड़ा ढंग का देख पाएंगे, कोई भी टूरिस्ट आएगा, पर्यटन कैसे बढ़ेगा यहाँ पर? पर्यटन हमारा प्रयास है, आप अगर चूंकि यह प्राचीन स्थल रहा, विश्वामित्र जी की तपोस्थली रही और कभी 606 में उत्तर भारत की राजधानी हर्ष के समय कन्नौज हुआ करता था, हमने गंगा घाट पे भी जो गंगा घाट है पर्यटन वहाँ पे आए, कई करोड़ रुपया उसे सुंदर बनाने के लिए कि यात्री आए तो शाम को टहलने से पहले
चुनाव से चुनाव की बात मैं नहीं करता हूँ, हम लोग कर्मयोगी हैं, वाणीवीर नहीं है, हम लोग काम की बात करते हैं। चुनाव और ये चीजें, चुनाव आता रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जब सरकार आ जाती है तो हमारा ज्यादा काम आती जाती रहे। लेकिन यहाँ पर किला बने, किला का खूबसूरत एक जो प्रारूप था कहीं ना कहीं वो देखने को मिले, दोबारा खुदाई और इसके सौंदर्यकरण के यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किए जाए। तो अपने अलग अलग तर्क है, इतिहास कभी किसी जयचंद को कभी हीरो कहता है, कभी पृथ्वीराज चौहान को कहता है, दोनों की अपनी अपनी अलग शौर्य गाथा है, लेकिन जो जुड़ाव है वो कन्नौज से किस तरीके से है, इस किले का साक्ष्य किस तरीके से, वो हमने अपने दर्शकों को बताया। हर राजा की कुलदेवी होती है, यहाँ की कुलदेवी श्रीमकली माता है, जयचंद जी की कुलदेवी जिन आखिरी जो पूरी वो वीरगति को प्राप्त है उस दिन तक उन्होंने उनकी पूजा की। हम उनकी कुलदेवी के पास आपको लेकर चलते हैं, बने रहे हमारे साथ। कन्नौज में जो किला देखने आता है वो राजा की कुलदेवी के दर्शन भी जरूर करता है। इतिहास गवाह है कि हर राजा की अपनी अपनी कुलदेवी होती थी, चाहे वो युद्ध भूमि में जाए या कोई भी शुभ काम करने जाए, कुलदेवी की पूजा करना काफी महत्वपूर्ण होता था, समृद्ध होते थे, शुभ ये हो जाता था। हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि श्रीमकली माता यहाँ पर है, जो राजा की कुलदेवी मानी जाती थी। कहते थे कि इतना ये जो पोर्शन है ये सीधे किले में देवी दिखती थी, एक छोटा सा झरोखा वहाँ पर बनाया जाता था, एक प्रतीक जो विग्रह है, जो माँ का श्री विग्रह है, आप देख सकते हैं कि पत्थर के रूप में है, जिनका चंदन से श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है। और ये जो घंटे आप देख रहे हैं ये घंटे आदिकाल से हैं। मान्यता ये है कि जिसकी भी मुराद यहाँ पर पूरी हुई उन्होंने घंटे बांधे। और यहाँ पर यहाँ मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है, किले से सीधे श्रीमकली के दर्शन होते थे पहले राजा को? हाँ, अभी अभी फूल चढ़े मिलते हैं सुबह को। हाँ, फूल चढ़े मिलते। अच्छा, फूल चढ़े मिलते हैं यहाँ पर, तो कई यहाँ पर चमत्कार है, कई मान्यता है। और प्रसाद के रूप में माता को बहुत चीजें यहाँ पर अर्पित की जाती हैं, कुछ नैवेद्य वगैरह भी चढ़ाते हैं, कुछ अपनी फसल जो होती है उसको भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। श्रीमकली दरबार के दर्शन हमने अपने दर्शकों को कराए। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्षेत्र का कोई ना कोई नायक होता है, और वो नायक की जो गाथा है वो शायद हमें नहीं पता है, तो आल्हा एक तरीका है, आल्हा गायन एक तरीका है, और उस आल्हा गायन के जरिए किस तरीके से लोगों को यहाँ जयचंद अपने राजा के बारे में बताया जाता है, वो गाथाएं सुनाई जाती, वो आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। कला यहाँ की संस्कृति से आल्हा गायन के जरिए इतिहास के वो महत्वपूर्ण गवाह, वो निशान के जरिए हमने अपने दर्शकों को रूबरू कराया। कन्नौज दो तरीके के हैं, एक वो जो विकास करता चला जा रहा है, एक विकासशील है, पैसा आएगा तो विकास होगा, वही एक वो जो एक नजीर पेश करता है कि हमारा इतिहास कितना खूबसूरत था, चाहे वो अंग्रेजों ने हमें दिया हो, मुगलों ने दिया हो, या फिर हमारे वो भारतीय राजा जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया उसे। इस वक्त इसी कड़ी में हम मखदूम जहानिया में मौजूद है। कहते थे कि मुगल बादशाह इसका इस्तेमाल करते थे, कोई कहता था कि यहाँ सैन्य छावनी थी, कोई कहता है यहाँ सूफी संतों की मजार थी, कई किंवदंतियां हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी कोई आएगा तो सकारात्मक वातावरण है, वो रोमानी एहसास यहाँ पर देखने को मिलता है, सूफिज्म की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए मखदूम जहानिया में आपको लेकर चलते हैं। मखदूम जहानिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो सूफी संतों की मजार जहाँ पर है, जहाँ आके अलग ही आध्यात्मिक पूरी तरीके से अनुभूति यहाँ पर होती है, लोग अपने आप को अल्लाह और उस ऊपर वाले के करीब महसूस करते हैं। यहाँ पर पांच समय की पांचों दिन नमाज होती है, और कोई भी पर्व हो या त्योहार हो यहाँ पर नमाज पूरी तरीके से शिद्दत के साथ अदा की जाती है,
कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो जायरीन बनकर आए हैं, सजदा करने वाले हैं। उन लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि मुगल काल यहाँ पर मुगल कालीन पूरा इतिहास है, कोई शेरशाह सूरी की बात करता है, अकबर की बात करता है, इन मजारों में आकर आप अकीदतमंद बन के आते हैं, कैसा लगता है यहाँ पर महसूस? असल में ये सूफी संतों की दरगाह है, मजारे हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग जो तकलीफ परेशानियाँ होती हैं उसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं और इनके लोगों के फैजो करम से हम लोगों को आराम मिलता है, परेशानियाँ दूर होती हैं हम लोगों की। कन्नौज का बहुत खूबसूरत इतिहास है, उसे यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और हम इतिहास की बात कर रहे हैं, वो आप कुआं देख सकते हैं। ये जो कुआं था 50 फीट गहरा कुआं था, जिस समय जो सैन्य छावनी बनती थी, जो सैनिक थे, जो नागरिक थे, वो इस कुएं का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर करते थे। अब वो जगह हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो जगह है बावन खम्बा। इसे बावन खम्बा कहते हैं कि यहाँ जितने भी बार खम्बे गिनो गिनती अलग ही आती है, आंकड़े अलग ही आते हैं। उस बावन खम्बा की क्या बात है वो आपको दिखाते हैं, चलिए। कहने को यहाँ पर 52 खम्बे हैं, लेकिन जितनी बार गिनो आंकड़े अलग आते हैं। बहुत ही खूबसूरत खम्बे हैं और उस समय का किस तरीके से लाल पत्थर, ईंट, गारा, पानी का इस्तेमाल होता था, आज भी पूरी तरीके से जो भी इमारतें हैं, जो भी स्थल हैं, वो पूरी तरीके से तटस्थ हैं। हम इस वक्त 52 खम्बे में मौजूद हैं। गिना कभी 54 खम्बे आता है, कभी 52 आता है, आंकड़े बदलते जाते हैं, लेकिन ये खूबसूरत नकाशी देखिए। और जो खम्बों की संख्या है वो ही यहाँ पर कौतूहल का सबसे ज्यादा विषय है। हम अपने दर्शकों को 52 खम्बे की बात बता रही है। जो जमीन है यहाँ पर नमाज अदा की जाती है, अजान का समय होता है, नमाज अदा की जाती है। जो कुआं है उसमें वजूब पूरी तरीके से उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की जाती है। 52 खम्बों की हमने विशेष तौर पर बात की। जो मुगलिया शासन काल की जो कला है, जो स्थापत्य कला है, उसका बहुत ही ज्यादा अनूठा उदाहरण है। अब हम अपने दर्शकों को, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे मंदिर में लेकर चलते हैं जहाँ कहते हैं कि मुगलों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आज भी उस मंदिर से जुड़े औरंगजेब कालीन इतिहास यहाँ पर मूर्तियों के रूप में मौजूद है। अतीत के ऐसे दर्द निशान भी यहाँ पर मौजूद है जो आपको देखना काफी जरूरी है। किताबों में आपने पढ़ा होगा, आज देख लीजिए। हम एक तरफ उस कन्नौज की बात करते हैं जो विकसित हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र के रूप में। पर्यटन अपार संभावनाएं है यहाँ पर, यहाँ कोई भी आए पर्यटक दृष्टि से चीजों को तो देखे ही, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से चमचमा रहा है, हरियाली छा रही है। निश्चित तौर पर प्रयास अगर और आगे अच्छे से किए जाएं तो वाकई कृषि आधारित रोजगार की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक हम पौराणिक ऐतिहासिक महत्व की तो बात कर ही रहे हैं, एक चीज आपको दिखाना काफी जरूरी है, वो मर्म, वो दर्द जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये कहा जाता है, ये किंवदंतियां हैं, किताबों में भी लिखा है कि मुगल शासकों ने इस तरीके से मंदिरों में क्या करा, वो एक आपके सामने देखिए। एक शिवलिंग है और उसकी लाइनिंग में आप समझ रहे हैं कि उसको पुनर्स्थापित यहाँ पर किया गया, शिवलिंग और उसके बाद नंदी, और आप समझिए कि किस तरीके से वार किया गया, ऐसे धारदार हथियार कि एक ही बार में पूरा सर काट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि खंडित पूरी तरीके से, चाहे हमारे खम्बे हों, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दरारें मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पर नुकसान यहाँ पर पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी खम्बों के रूप में, तमाम चीजों के रूप में, हम उस शताब्दी के निशान, हम उस अतीत के आईने में अगर नजर डालें तो अतीत की काफी चीजों को संरक्षित कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये तो दूर की बात है, लेकिन वाकई यहाँ पर एक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा ये स्थान है जहाँ अंग्रेज ने पूरी तरीके से इस स्थान को देखा, मुगलों ने देखा, मुगलों ने अटैक भी करा, जमीन से ये कई कोसों ऊपर है, कहते कल कल गंगा यहाँ पर बहती थी। तो वो चीज, वो सुनहरी जो दृश्य है, शायद हम उसको और रंगीन कर पाए, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक सामाजिक जागरूकता की काफी इसमें जरूरत है। यहाँ पर और भी दर्शनीय और पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है, उसका आपको रुख कराते हैं, चलिए हमारे साथ। गौरी शंकर मंदिर में मौजूद है। कन्नौज कोई आएगा तो इस मंदिर में क्यों आएगा, क्या इसका प्राचीन इतिहास है और रोचक इतिहास है, दिलचस्प इतिहास है, वो आपको दिखाते हैं, चलिए। छठे
16वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग जो आप देख पा रहे हैं वो शिवलिंग स्वयंभू है। यहाँ शिव परिवार एक सुखी परिवार के रूप में है जो भक्तों की मान्यताओं को पूरी करता है। सोमवार को इस मंदिर में विशेष तौर पर मेला लगता है। कहते हैं कि उस समय हजार पुजारी होते थे जो भगवान शिव की आराधना यहाँ पर करते थे। कल कल बहती गंगा आती थी, चरणों तक जाती थी और वापस चली जाती थी। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रोचक इतिहास है। और जो शिवलिंग के बारे में खासियत है कि ये अनंत है, ये कब शुरू हुआ और कब अंत होगा इसके बारे में किसी की जानकारी नहीं है, लेकिन आस्था प्रगाढ़ होती चली जा रही है। तो आज की इस विशेष पेशकश में कन्नौज के दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक स्थल हमने अपने दर्शकों को दिखाए, वो चमत्कार की बात की जिसको सब नमस्कार करते हैं, और वो राजाओं के शौर्य गाथा की बात की जिसके आगे सब नतमस्तक हैं, नतमस्तक होकर न्योछावर हैं। यहाँ की धरती है गंगा जमुनी तहजीब का एक अनूठा उदाहरण है। तो कभी आइएगा तो कन्नौज जरूर आइएगा, क्योंकि लोग उम्मीद से हैं और उन्होंने ठान लिया है कि कन्नौज को विकसित किया जाएगा, एक बेहतरीन पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मेरे सहयोगी नित्य मिश्रा और कैमरामैन पीयूष के साथ निहारिका महेश्वरी की कन्नौज से रिपोर्ट।